हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय चैनल मिक्सर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे खनिज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार इसे प्राप्त किया जाता है। आइए देखते हैं। देखिए, खनिज को इंग्लिश में मिनरल्स कहते हैं। भूपर्ति तथा भूगर्भ से खोद कर निकालने वाले पदार्थ को खनिज कहा जाता है। अब कहिएगा भूपर्ति और भूगर्भ क्या है। ये भूगर्भ है। देखिए, पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपर्ती कहते हैं। ये पृथ्वी है ना, तो उसका ऊपरी परत ये भूपर्ती कहलाता है। अब भूगर्भ, भूगर्भ मिस होता है पृथ्वी के निचले वाला भाग, यानी उसके अंदर। देखिए इनका एग्जांपल, पेट्रोलियम, सोना, तांबा, लोहा, अभ्रक, एल्यूमिनियम आदि, इस प्रकार इसका एग्जाम्पल है। आप कहिएगा पेट्रोलियम क्या है। देखिए, पेट्रोलियम को जमीन के अंदर से प्राप्त किया जाता है। जमीन के अंदर से पेट्रोलियम को प्राप्त कर उसे शोध करके निम्न प्रकार के द्रवीय पदार्थ बनाया जाता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तेल तथा एलपीजी गैस। देखिए, ये सब पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम के जमीन के अंदर से प्राप्त किया जाता है और उसे शोध कर पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तेल तथा एलपीजी गैस प्राप्त किया जाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। जो गैस हम यूज करते हैं ना, वो एलपीजी गैस है। यह पेट्रोलियम से ही शोध कर प्राप्त किया जाता है। डॉट डॉट इटीसी मतलब इस प्रकार से और वस्तु आप प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, खनिज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स और एनर्जी मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स का मीन्स होता है धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। ये इनका टाइप है, यानी खनिज तीन प्रकार के होते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलें।